All right, hello everyone, Jai Hind. So in this session, we are gonna discuss. हम discuss करने वाले हैं top 25, ठीक है? Top 25 most important questions for geography. Okay, top 25 most important questions for geography. All right. तो जल्दी से join कर लो आप लोग. Quickly join up, then we'll begin with the session. All right. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग. ओके, यू हैव टू डू मैच द फॉलोइंग. एक मिनट, आई विल जस्ट एडजस्ट माई सेल्फ. मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं खुद को. ओके, आई थिंक नाउ इट्स फेयर इनफ. Match the following. Continental island, coral island, volcanic island, mountain island. कहाँ पे कौन कौन से islands पाए जाते हैं? Where the islands are formed? Okay, give me the answer quickly. देखो, I'll explain. इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता भी जाऊंगा. Continental जो islands होते हैं, जो बेसिक हमारे कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, ये किससे? प्योरली कॉन्टिनेंट से बनते हैं. कोरल आइलैंड पे क्या रहते हैं आपके? कोरल रीफ्स. तीन तरीके के होते हैं, एटॉल, ठीक है, एटॉल रीफ्स हो गया. ऑलराइट, देन ओके, फ्रिंजिंग रीफ हो गया, एंड देन बैरियर रीफ. तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, डिटेल में से हम देखेंगे. वॉल्केनिक आइलैंड, जब भी ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होता है, तो ओशनिक प्लेट बीइंग द हेवियर वन, ये नीचे सबडक्ट हो जाता है, मेल्ट होके, और यहाँ पे क्या बनता है आपका? वॉल्केनिक आइलैंड बनता है. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन सीमा एंड सियाल जब आपस में कोलाइड होते हैं, तो क्या आता है? सीमा नीचे सबडक्ट हो जाएगा, इट विल गो टू द मेंटल, ये मेंटल में जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. तो जो सीमा रहता है, जो आपका जो बसाल्टिक ओशनिक क्रस्ट रहता है, ठीक है, बसाल्टिक ओशनिक क्रस्ट रहता है, मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट होके ये किसमें? तेजी से ये जो मैग्मा रहेगा ऊपर रश होगा, और एक तरीके से एंडेसाइट के रॉक्स बनेंगे. आई राइट इट डाउन, एंडेसाइट रॉक्स बनेंगे, और ये बनेगा माउंटेन, फोल्ड माउंटेन. कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट जब टकराएंगे, when do continents will collide with each other? Okay, give me the answer. Yeah, Hindi mein bhi dekh lijiye sawal. See the question in Hindi as well. The correct answer is A. Dekho, continental island Madagascar. Madagascar ki agar main aapko itihas bataun, theek hai, Madagascar ka agar main itihas bataun, to ye pehle India ke sath juda hua tha. जब इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तब इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था. अब जब यहां से गोंडवाना लैंड से इंडिया ऊपर तरफ एशिया की तरफ आने लगा, तो यहां पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट था. देयर वॉज अ रीयूनियन हॉटस्पॉट. यहां से क्या हो गया? डाइवर्ज होके इट ब्रोक अवे, इट गॉट डाइवर्ज एंड इट गॉट ब्रोक अवे. गेटिंग इट? तो ये हो गया, यहां से मेडागास्कर अलग हो गया था, हमारा डेक्कन प्लेटू बना. कोरल आइलैंड, सिंपल सी बात है, कोरल आइलैंड आपका क्या हो गया? कोरल आइलैंड आपका मालदीव्स. पूरा कोरल्स के ऊपर, ये जनरली एटॉल्स है, एटॉल्स मैक्सिमम है, फ्रिंजिंग और बैरियर भी है. एटॉल्स क्या रहता है, मान के चलो दिस इज अ आइलैंड, यहां पे रिंग की तरह कोरल रीफ्स ने अगर कॉलोनी बना लिया, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है गोल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉल्स. ये जनरली आइलैंड्स के आसपास बनते हैं. तो आपका क्या है? मालदीव्स भी तो एक तरीके का आइलैंड ही है. ऑलराइट, वॉल्केनिक आइलैंड मॉरिशस. मॉरिशस में थोड़े से जैसे कि इसमें सिचिल्स आइलैंड है, यहां पे वॉल्केनिक और ट्रेसेस है.
और माउंटेन आइलैंड आपका क्या हो गया, अंडमान एंड निकोबार। मैं जब भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, व्हाट आई एक्सप्लेन कि अंडमान एंड निकोबार आर पार्ट ऑफ हिमालयस, टेक्निकली ये ग्रेटर हिमालयस के पार्ट हैं, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। और ये जो ग्रेटर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, एनीवन? ठीक है, ये इसको हम हिमाद्री नाम से भी जानते हैं। इंडिया में स्टार्ट होता है ये कश्मीर के नंगा पर्वत से और ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, नामचा बारवा, नामचा बारवा तक। गेटिंग इट? तो ये हो गया आपका पहला, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, आपको डिफरेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं और उनके प्लेसेस को आपको मैच करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा खतरनाक से लग रहा है पर ये है बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, देखो वुल, वुलन चीजें कहां पे होती है, नॉर्थ इंडिया में होगी, ठंड पड़ती है, तो ऊपर मुझे लुधियाना पंजाब में एक ही दिख रहा है, तो ए और थ्री, तो बी और सी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। अब आप यहाँ पे सोचो कॉटन टेक्सटाइल कहां पे होगा, ये हो सकता है आपका समवेयर नियर महाराष्ट्र और गुजरात। जूट कहां पर होगा, ये आपका कोलकाता, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल ईस्टर्न पार्ट पे होगा। एंड सिल्क आपका, ठीक है, हो सकता है मतलब कर्नाटक साइड में हो सकता है, तो कॉटन ये दवानगिरी, देवागिरी ये महाराष्ट्र में है। सिल्क टेक्सटाइल, सवाल कुछ ही अगर मुझे नहीं पता था और इसमें में मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता था ऑप्शंस को। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे मिलता है, जहां पे जनरली आपके ब्लैक सॉयल हो। इंडिया का सबसे पुराना बॉम्बे में था, फिर कैलकाटा, फिर अहमदाबाद इसमें आया था। ब्लैक सॉयल में आपका क्या, रॉ कॉटन होता है और इसमें पूरा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेस्ड है। अच्छा, ब्लैक कलर का सॉयल ब्लैक कलर क्यों रहता है, क्योंकि इसमें कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, इट्स नेम इज टाइटेनिफेरस, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ओके। जूट आपका रिश्रा, ये वेस्ट बंगाल में जगह है, तो बेसिकली एक दो जगह आप इसको, अगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको सारी चीजें बताओ, ठीक है, यू शुड नो एवरीथिंग, बट आपको एक लॉजिकल एलिमिनेशन, एक इंटेलिजेंट गेसिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, ये देखो करंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, करंट ज्योग्राफी, इट इज रिलेटेड टू करंट ज्योग्राफी। गिव मी द आंसर क्विकली। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 29 जून। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है जो 5 डिग्री से आपके 30 डिग्री तक होता है, ठीक है, 5 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम कुछ मतलब तुक्का नहीं लगा सकता है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज एल्पाइन फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, अल्पाइन मतलब क्या हो गया आपका, माउंटेन फॉरेस्ट। अब सोचो, हिंट ही दे दिया मैंने पूरा आपको, हिंट क्या, आंसर ही बता दिया, आई जस्ट टोल्ड यू द आंसर। जल्दी बताइए। ओके, द करेक्ट आंसर इज डी,
ठीक है, द करेक्ट आंसर इज हिमालयन रीजन। भाई पहाड़ों में मिलेगा, हिमालयन रीजन पे ही तो मिलेगा अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन क्या रहता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। बेस में आपका क्या हो गया, ये आपका मान के चलो 7 किलोमीटर का माउंटेन है, बेस में अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर में आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर आपका डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, 4 किलोमीटर तक आपका क्या हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट में आपका क्या आ गया, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में वॉलनट, अखरोट जो होता है, चेस्टनट, ओक, मैपल, कनाडा के झंडा में जो बना रहता है ना ये पत्ती, ये वाली, ठीक है। डेसीडियस, डेसीडियस में आपका क्या हो गया, मतलब जनरल नीम, ये सारे ट्रीज हो सकते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपका क्या हो सकता है, मैंगो, ये सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है, बेस में रहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ओके। फिर ऊपर आपका क्या हो गया, ठीक है, 5 किलोमीटर तक आपका क्या हो गया, कॉनिफेरस, क्रिसमस ट्रीज, देखिए नुकीले वाले जो पेड़ होते हैं, क्रिसमस ट्रीज, ओके, नुकीले वाले पेड़ होते हैं आपके क्रिसमस ट्रीज, पाइन, सिडार, डियोडार, बिर्च, ओके। अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर तक सिर्फ आपके ग्रासेस रहते हैं, यहाँ पे गुज्जर्स, बकरवास, ट्रांसह्यूमन रेस रहता है, ऊपर आपका स्नो कवर रहता है। आप देखो ना हिमालय की चोटियां एकदम बर्फ से जमी हुई रहती हैं। ये पूरा वेजिटेशन इसको मार्क करके रख लेना, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, इट्स गोना बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, गेटिंग इट, ओके। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, क्रिस्टलनी, टेक योर टाइम सोचो। देखो आप बोलोगे कि सर ये सन है, सबसे क्लोज तो मरकरी है, मरकरी, वीनस, अर्थ, तो मरकरी होना चाहिए, बट आंसर इज नो, द करेक्ट आंसर इज वीनस। अब वीनस सबसे हॉटेस्ट क्यों रहता है, क्योंकि बेटा मरकरी का खुद का भी, मरकरी डोंट हैव इट्स ओन एटमॉस्फेयर, मरकरी डू नॉट हैव इट्स ओन एटमॉस्फेयर, मरकरी का खुद का एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अब अगर मरकरी का खुद का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मरकरी का खुद का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, सनरेज आ रही है तो भाई गर्म क्या होता है, हवा ही तो होती है ना, जैसे बेसिकली सनरेज आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है सनरेज, ये एटमॉस्फेयर इसको ट्रैप करती है, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इट ट्रैप्स इट, दैट रेजेस द टेम्परेचर। तो पर वीनस में मतलब वीनस के एटमॉस्फेयर में मीथेन, काफी चीजें हैं, इसके वजह से द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीनस इज वेरी वेरी हाई, ओके। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीनस इज वेरी वेरी हाई, इसलिए वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अच्छा वीनस को ट्विन ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, ट्विन ऑफ अर्थ, और आई वुड से इट इज अर्थ ट्विन, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, ओके, गिव मी द आंसर, मैच दी फॉलोइंग, ओके। बेसिकली आपके अर्थक्वेक जोन्स हैं, जो जोन नंबर 5 है, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन, और जोन 2 है वो सबसे ज्यादा लिबरल रहता है, जोन 2 इज द मोस्ट लिबरल वन, गेटिंग इट, ऑलराइट, नाउ गिव मी द आंसर।
करेक्ट आंसर इज बी, जोन फाइव। जोन फाइव कौन सा वाला है? ठीक है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आप खुद ही सोचो कहां पे आ सकता है भाई। हिमालय, हिमालय में भाई बच्चे बच्चे को पता है कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इन हिमालय देर आर मैक्सिमम अर्थक्वेक, इजंट इट। अब हिमालय में जब सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है, तो यार ये सबसे क्लोजेस्ट हिमालय के कौन से? नॉर्थ ईस्ट हिमालय में गुवाहाटी, ये सीधा बना दो बी का वन वाला। और बी का वन देखो कहां कहां पे ऑप्शन पे नहीं, उसको उड़ा दो पहले। दिल्ली में भी कई बार अर्थक्वेक आता है, इजंट इट। दिल्ली इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर अर्थक्वेक, तो सी का टू। ठीक है, और कोलकाता और चेन्नई इसमें मैं एलिमिनेट। देखो आंसर आपका गेसिंग बी और सी में से आ रहा था। ओके, एल नीनो। एल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट अकर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। अब सोचो आपका मतलब एकदम दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए। आपने सोचा देखो ये है साउथ अमेरिका, दिस इज पैसिफिक ओशन, ठीक है, तो यार ये ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन बिल्कुल। ये एलिनो क्या रहता है, ये चल रहा है आपका पेरू कोस के पास से लैटिन अमेरिका, ये इट इज द रिवर्स ऑफ पेरुवियन करंट, इक्वेटर से आपकी एलिनो चल रही है, इजंट इट, रिवर्स डायरेक्शन में एलिनो चल रही है। एलिनो का इंपैक्ट कभी भी इंडियन मॉनसून पे पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, इट कैन नेवर बी पॉजिटिव इन इंडियन मॉनसून। ये इंडिया में एकदम बोलते हैं ना सूखा, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है और ये इंडिया में एक तरीके से ड्रॉट लेके आ जाता है, हेवी सूखा मतलब अल्पवृष्टि लेके आता है। इसको बोलते हैं सन ऑफ क्राइस्ट और लानीना को ड्रॉट ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट। ये एलिनो बेसिकली क्या रहता है, इट इज अ वार्म ओशनिक करंट, ठीक है, इट इज अ वार्म ओशनिक करंट, ठीक है, रिवर्स ऑफ पेरू करंट। पेरू करंट क्योंकि एक कोल्ड करंट चलती है, ये इसका रिवर्स है। ये कहां पे आता है, सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन नियर द कोस्ट ऑफ पेरू, ठीक है, चिली अर्जेंटीना के पास आता है, कम्स नियर चिली एंड अर्जेंटीना, गेटिंग इट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ओके, द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज ड्यू टू हिमालयन रिवर्स ओनली। भाबर रीजन लाइज एग्जैक्टली टू द नॉर्थ ऑफ तेराई रीजन। खादर इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन बिकॉज ऑफ न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स एवरी ईयर बाय फ्लड्स। अब यार एक चीज सोचो, देखो ये आपका हिमालयाज हो गया, दिस इज योर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, भाबर, तेराई, बांगर, खादर, ठीक है, इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन के जियोलॉजिकल डिविजन्स है। ये सारी चीजें क्लासेस में पढ़ाते हैं। ऑलराइट, अब आप एक बात सोचो, जस्ट थिंक वन थिंग, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज ड्यू टू द हिमालयन रिवर्स ओनली। क्या इस बात में कुछ लॉजिक लग रहा है? सिर्फ हिमालयन रिवर्स ही होंगे? क्यों, कई बार नर्मदा भी पेनिनसुलर रिवर्स आ जाते हैं, बहुत सारी। यार आप ये कैसे कह सकते हो कि सिर्फ एपी एक ही फैक्टर होगा? तो ये थोड़ा सा ना एक्सट्रीम वर्ड हो गया, इट इज समवॉट एन एक्सट्रीम वर्ड, तो इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड हियर, गेटिंग इट, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड हियर। ऑलराइट, हाँ, भाबर रीजन लाइज एग्जैक्टली टू नॉर्थ ऑफ तेरा रीजन, बिल्कुल ये तेराई है और सबसे ऊपर भाबर होता है। भाबर रीजन वो एकदम फुटहिल्स में जो पत्थर पड़े रहते हैं ना, और तेराई रीजन कौन सा होता है, एकदम दलदल वाला रीजन जहां पे स्ट्रीम रीअपियर होती है। खादर सबसे ज्यादा फर्टाइल है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हर साल न्यू एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होता है। तो टू एंड थ्री आर द करेक्ट आंसर, खादर सबसे ज्यादा न्यू एलुवियल, और यहाँ पे होता है भांगर। भांगर को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल, ओल्ड एलुवियल बोलते हैं। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स रहते हैं, देयर आर द डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनको हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, एनीवन? इनको हम बोलते हैं कंकड़, वी कॉल इट एस कंकड़, डिडंट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बहुत ही फैक्चुअल सवाल,
नेशनल हाईवे 4 किसे कनेक्ट करते हैं? ये एक्चुअली न्यूज में था, अब मैं बताऊंगा क्यों न्यूज में था, व्हाई इट वाज देयर इन न्यूज। गिव मी द आंसर क्विकली। करेक्ट आंसर इज बी, मुंबई से चेन्नई। ठीक है, मुंबई से चेन्नई ये एक्चुअली गोल्डन कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट का पार्ट आता है और इसको एक एज ए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप करने की बात की जा रही है। चेन्नई में जैसे कि आपको पता है एक डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है, चेन्नई लखनऊ इन सब में डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है, इसलिए दीज थिंग्स वर वेरी मच इन यूज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिटरेचर। लेटरेट सर के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स बता रहा हूं। ऑलराइट, लेट्स सी। इंटेंस लीचिंग से बनता है, एसिडिक नेचर रहता है, मोस्टली इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, सुटेबल क्रॉप फॉर कैश्यूज। एक नेगेटिव ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आंसर आपके सामने कूद के आ जाएगा। बेसिक सोइल सिस्टम पढ़ा तो ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये सवाल आपके लिए। दिस क्वेश्चन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। Think. हिंदी में भी देखो, सी द क्वेश्चन इन हिंदी एज वेल। वन टू एंड फोर नॉर्दर्न स्टेट्स में है ही नहीं, ये आपका वेस्टर्न घाट में मिलेगा, ईस्टर्न घाट में मिलेगा एंड कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट में मिलता है जनरली, नॉर्दर्न स्टेट में तो है ही नहीं। इंटेंस लीचिंग क्या रहता है? लीचिंग इज द प्रोसेस की जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग, दलदल वाला कंडीशन हो जाता है, तो वाटर धीरे धीरे जब सॉइल से पास होकर ग्राउंड वाटर में जाता है तो अपने साथ क्या करता है, इट ऑल्सो डिजॉल्व द मिनरल्स, डिजॉल्व द मिनरल्स, मिनरल्स को डिजॉल्व करते हैं और नीचे लेके चले जाते हैं, इट इज सेड टू बी लीचिंग, द प्रोसेस इज सेड टू बी लीचिंग। ठीक है, एसिडिक होता है, बिल्कुल एसिडिक नेचर का रहता है और कैश्यू काजू के लिए बहुत अच्छा है, आप देखो ना क्योंकि ये कार्डोमम हिल्स में मिलता है, इट इज वेरी मच रेगुलर इन द कार्डोमम हिल्स। तो कार्डोमम हिल्स कहां पे? केरला में। यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? काजू, कैश्यू, इलायची, ये सभी ग्रो होते हैं ना। द करेक्ट आंसर इज डी। ऑलराइट, सिंपल है ज्योग्राफी, एक बार पता है चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चंस आर ट्रस्ट मी वेरी वेरी इजी। ओके, तो बेसिक कौन सी सिटीज, अगर देखो ऐसे सवाल अगर आप बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर आपको बेसिक आइडिया है आप इजीली बता सकते हो। आपको बताना है कि बेसिक कौन कौन सी सिटीज में कौन सी सिटी किस चीज के लिए फेमस है। गिव मी द आंसर क्विकली। ओके, ए वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, मुरादाबाद ब्रास एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, मेरठ पॉटरी है, ओके सॉरी मेरठ इस पर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, बुलंदशहर पॉटरी। तो यार देखो ये जनरली क्या होता है ना, कौन सी सिटी किस चीज के लिए फेमस है, जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में आते रहते हैं,
दीज थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन न्यूज़पेपर, तो अगर ये सब थोड़ा बहुत पढ़ते जाते हो तो यार फिर इन सब में ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। गेटिंग इट? ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपको अरेंज करना है नेशनल पार्क्स को। ओके, लेट्स सी वेदर यू गाइस कैन डू इट और नॉट। टेक योर टाइम। चलो इंडिया का मैप बना दे नॉर्थ के सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, ग्राफ मैप बनाया इंडिया का। या ऐसे क्वेश्चंस में जनरली गिव टाइम, मैं जनरली टाइम देना प्रेफर करता हूँ, जल्दबाजी नहीं है। बस गिव मी द, बस व्हाट आई वांट इज द करेक्ट आंसर है। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी। देखो जिम कॉर्बेट यहां पर है, इसका नाम क्या हो चुका है, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जहां से आपका प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू हुआ था। ऑलराइट, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क आपके एमपी में है। ओके, ये माधवराव सिंधिया के नाम पे पड़ा हुआ है। ओके, द प्लेस इज शिवपुरी, शिवपुरी पर है, और ये एक तरीके का प्राइवेट रिजर्व हुआ करता था हमारे बहादुर सिंधिया मतलब रूडर्स के बारे में, है ना। ऑलराइट, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क आपका कहाँ पे, छत्तीसगढ़। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क इट्स इन छत्तीसगढ़। ठीक है, नागरहोल जब, ओके आई टेल यू कि जब मैं बैंगलोर में रिकमेंड हुआ था, ओके व्हेन आई वाज रिकमेंडेड फ्रॉम बैंगलोर, तब मैं यहाँ पे घूमने गया था। ऑलराइट, बांदीपुर और नागरहोल गए थे हम लोग। नागरहोल इट्स इन कर्नाटका। ठीक है, तो इस वे में आप इसे अरेंज कर सकते हो। काफी क्वेश्चंस आते हैं नेशनल पार्क से और इसके ऊपर से। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। व्हाइल हिमालयन एंड रिवर्स आर पेरिनियल, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। हिमालयन रिवर्स हैव शॉर्ट कोर्स, पेनिनसुलर रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स। हिमालयन रिवर्स हैव यंग, पेनिनसुलर रिवर्स हैव ओल्ड। ओके, इसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट द नेगेटिव स्टेटमेंट, आंसर आपके सामने कूद के आ जाएगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा आपके सामने। सी हिमालयन रिवर्स हैव शॉर्ट कोर्स, यार ये तो हो ही नहीं सकता ना, आप खुद ही सोचो। हिमालयन रिवर्स ये कौन से ग्लेशियर से निकलते हैं, ग्लेशियर फेड रिवर्स है, दे आर ग्लेशियर फेड रिवर्स। ठीक है, अब ये रिवर्स निकल रहा है तो इसका शॉर्ट कोर्स, इसका लॉन्ग कोर्स हो गया। पेनिनसुलर रिवर्स आपके क्या होते हैं, रेन फेड, तो यार ये आपके सीजनल नेचर के होते हैं।
दे आर ऑफ सीजनल नेचर, एंड ये क्या होता है, दे कैन ड्राई इन अ सीजन, एक सीजन में ड्राई हो जाता है। हिमालय रिवर्स यंग है, बिल्कुल, क्योंकि हिमालय ही खुद यंग है, हिमालय ही हमारा लेटेस्ट बना, उसके पहले तो पेनिनसुला प्लेटू ही बना, तो थर्ड वाला सही है। वाइन रिवर्स है पेरिनियल, ओके, पेनिनसुला रिवर्स है सीजन, बिल्कुल सही। पेरिनियल मतलब कि उसमें 12 महीने पानी रहता है, और पेनिनसुला रिवर्स जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, रेनी सीजन में तो बाढ़ आ जाता है, पर जब ये सूखा सीजन पड़ता है, गर्मी के सीजन में सूख जाता है। ऑलराइट, कंसिडर द फॉलोइंग सर्फेस विंड्स, ठीक है, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज आइडियलाइज्ड ग्लोब पैटर्न ऑफ दीज विंड्स फ्रॉम इक्वेटर्स टू पोल। इक्वेटर से पोल के लिए कौन सा सबसे आइडियलाइज्ड विंड है? क्विकली टेलिंग, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। डोलड्रम, ये देखो ऐसा रहता है, इक्वेटर में वी हैव डोलड्रम्स, ऑलराइट, डोलड्रम्स। फिर आपके ईस्टरलीज रहते हैं, ईस्टरलीज यूं चलते हैं, ईस्टरलीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स, 30 डिग्री से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री आपके वेस्टरलीज चलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर, ओके, द वेस्टर्लीज मूव। फिर ऊपर से 90 डिग्री से 60 डिग्री तक पोलर हाई से आपके क्या चलते हैं, पोलर विंड्स। तो इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, करेंगे। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कंसेप्ट किसने दिया था, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? क्विकली आंसर, करेक्ट आंसर इज नॉर्मन वन। अच्छा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन रहता है जहां पे रिच फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, यू विल गेट टू सी रिच फ्लोरा एंड फौना। अब ये हॉटस्पॉट्स की सबसे खास बात क्या रहती है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द हॉटस्पॉट्स, एनीवन? ठीक है, इसमें मिनिमम 1500 स्पीशीज एंडेमिक होने चाहिए। व्हाट डू मीन बाय एंडेमिक, मतलब द स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन दैट पर्टिकुलर रीजन, दैट आर ओनली फाउंड इन दैट पर्टिकुलर रीजन, एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब कि कोई एक स्पीशीज जैसे फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है, जैसे जायंट पांडा, ये सब नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है, तो ये आपके एंडेमिक हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मिनिमम 70% ऑफ स्पीशीज, ठीक है, शुड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब विलुप्त होने का खतरा हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है पता है, इसको हम बोलते हैं इंसानी कार्यवाही, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये दो कंडीशन होते तो ये फिट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया में डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, एक तो आपका हिमालयाज हो गया, एक आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न है, ठीक है, और एक आपका सुंडा लैंड। सुंडा लैंड में आपका इंडो बर्मा रीजन भी आ जाएगा और अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, और अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, गेटिंग इट? इंडिया में तीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू, चीज आपको समझ में आ रही है।
लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, नॉर्मल मैप. द मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन्स आर ऑफ विच पैटर्न? इंडो गैंगटिक मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रही है. किस पैटर्न के रिवर्स पाए जाते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो? एनीवन? ओके, क्विकली आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए. डेंड्रिक ब्रांचेस पैटर्न. डेंड्रिक मतलब क्या रहता है? ब्रांचेस पैटर्न. सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक. रेडियल मतलब अगर एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल रहा है. और ट्रेलिस मतलब रेक्टेंगुलर टाइप के परपेंडिकुलर बना रहा है. रेडियल पैटर्न कहां पे देखने को मिलेगा पता है आपका? अमरकंटक में. एक पॉइंट से अलग अलग रिवर्स निकल रही है. जैसे अमरकंटक से लेफ्ट में नर्मदा निकल रहा है, ऊपर साइड सोन निकल रहा है, नीचे आईबी और हसदो निकल रहा है. ओके, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स. सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं. आई होप इट्स क्लियर. थिंग्स आर मेकिंग सेंस नाउ. अब चीजें समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा, इजंट इट? मिनरल्स कुड बी मेड ऑफ डिफरेंट कंडीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स मेड ड्यूरिंग कूलिंग विथ मॉल्टन मटीरियल? मॉल्टन मटीरियल लावा से कौन से मिनरल्स बनते हैं? सोचो एंड आंसर दो. इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक कैसे बनता है? जब लावा आपका क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है. व्हेन लावा इज सॉलिडिफाइड. ओके, व्हेन लावा और मोल्टन लावा इज सॉलिडिफाइड देन इग्नियस रॉक्स आर मेड. ओके, गिव मी द आंसर ऑफ दिस वन. नीप टाइड, लो टाइड, रेड टाइड एंड स्प्रिंग टाइड. नीप टाइड, मून और अर्थ जब राइट एंगल में हो, नीप टाइड को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके का इट्स अ टाइप ऑफ लो टाइड. लो टाइड रेड जब टाइड टेबल में शो होता है. रेड टाइड्स क्या रहते हैं? हार्मफुल एल्गल ब्लूम. एंड स्प्रिंग टाइड इसे हम हाई टाइड भी बोलते हैं. ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स. ओके, अब ये डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट है. जैसे हम पढ़ते हो ना आप 11th के एनसीईआरटी में, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. वेट इक्वेटोरियल मॉनसून प्लेट, वेट ड्राई ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल. बताइए आंसर इसका. अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स का मैच करना है आपको. दिस रीड इट एंड आंसर. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है कुछ. ये थोड़े से टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. सो कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम एंड आंसर. या वेट इक्वेटोरियल यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री के अराउंड. ठीक है, मॉनसून में क्या रहता है?
शोज एन एनुअल साइकिल विथ हाई टेम्परेचर विथ हाई सन सीजन वेट ड्राई ट्रॉपिकल. ठीक है, इसमें क्या रहता है, हाई टेम्परेचर बिफोर रेनी सीजन, ड्राई ट्रॉपिकल में क्या रहता है, हाई टेम्प वेरी हाई एंड इंटेंस टेम्परेचर ड्यूरिंग सनी सीजन. ये डेजर्ट हो गया आपका मॉनसून, ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा, वेट इक्वेटोरियल आपके इक्वेटर के आसपास जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट. ओके, एंड वेट ड्राई ट्रॉपिकल आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हाई लैटिट्यूड्स पे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ओजोन लेयर कौन से लेयर में रहता है, शुभ मंडल, समताप मंडल, ब्रह्म मंडल, मध्य मंडल, वरी मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, मेसोस्फेयर. आंसर इट. द करेक्ट आंसर इज यस, इट्स इजी, इट इज स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल. ठीक है, ये आपका समताप मंडल पे मिलता है. जब एयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हम, मैं इसको बहुत डिटेल में करवाऊंगा. ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट इट. ऑलराइट पीपल, सो आई गेस दिस वाज अबाउट द सेशन, दिस वाज टॉप 20 क्वेश्चंस. कल हम मिलेंगे ऐप पे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में 1 बजे लाइव, 1 PM लाइव, जहां पे हम वी वुड बी डिस्कसिंग द बर्निंग इश्यूज, जहां पे हम बर्निंग इश्यूज को डेवलप कर मतलब डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.